नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपके जो महिला सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हुआ था कल, उसके आज आपको आंसर की दे रहा हूँ। वैसे आंसर की आपने काफ़ी देख भी ली होगी, कल दे नहीं पाया था किसी रीज़न की वजह से, तो आज आपको दे रहा हूँ। पूरी की पूरी ऑथेंटिक है, पूरे 150 क्वेश्चन की आपको एकदम करेक्ट आंसर की मिलेगी, कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो वीडियो पूरा देखना और एक एक आंसर को यहाँ पर चेक करते रहना। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं बोलूँगा, सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर बता दूंगा, तो आप अपने आंसर चेक कर लेना। ये एकदम सही आंसर है जो पहले का है। एक पूछा था यहाँ पे मोबाइल ऐप के बारे में पूछा गया था, जो भारत के राष्ट्रपति ने लागू किया था, उसका है करेक्ट ऑप्शन सेल्फी विद डॉटर, यानी कि ये वाला सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही शॉर्ट में आपको बताता रहूँगा। इसके बाद एक QR कोड पर पूछा गया था कि कितने उसमें पोजिशन डिटेक्शन पैटर्न होते हैं, तो 3 होते हैं। उसके बाद एक पूछा गया था प्रथम भारतीय स्वदेशी यानी कि माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, शक्ति है। और उसके बाद यहाँ पे एक सौर वैधशाला का पूछा गया था, सौर वैधशाला बिग बियर लेक कैलिफोर्निया, ये करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। फिर आया था राजस्थान IT डे 19 मार्च से 21 मार्च तक चला था, ये पिंक वाले जो टिक कर रखे हैं एकदम करेक्ट ऑप्शन वाले ही टिक कर रखे हैं, ठीक है ना, आप देख सकते हो। इन अ कलर मॉनिटर द रिफ्रेश बफर इज ऑल्सो कॉल्ड पिक्स मैप। उसके बाद नासा का एक अनमैंड लैंडर का पूछा गया था, इनसाइट करेक्ट ऑप्शन था उसका। उसके बाद एक बाहरी कंडक्टर, इसका आंसर हो जाएगा बाहरी कंडक्टर यानी कि आउटर कंडक्टर। उसके बाद एक आया था वह डिवाइस जो हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर इनपुट के लिए कोडेड करेक्टर में परिवर्तित करता है, वो है डिजिटाइजर। उसके बाद ULSI इसका करेक्ट ऑप्शन है। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि इसका आएगा राज ई वॉल्ट। नेक्स्ट देखते हैं 4 सितंबर 2018 किसका है, भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का शुभारंभ 4 सितंबर 2018 को। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का पूछा गया था, किस टाइप का नेटवर्क है, पैन PAN हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं उसका OCR हो जाएगा, और इसका हो जाएगा नैनो कंप्यूटर, ठीक है। मॉलिकुलर स्केल कंप्यूटर का पूछा गया था, ये हो जाएगा नैनो कंप्यूटर। इसके बाद आपके रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर दोस्तों दो तरीके से आंसर आप देख सकते हो। ये वाला जो आपके आकृति वाला है, इसमें आपके बर्फ, जल और ठोस है, ठीक है। तो अगर ठोस को अलग मानते हैं, जिस हिसाब से एग्जामिनर ने क्वेश्चन पेपर सेट किया है, तो अगर वो मानता है ठोस को अलग, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ठोस ही हो गया और बर्फ और पानी इसका बन जाएगा, ठीक है। और अगर वो जो आपकी बर्फ है उसी को ठोस लेके चलता है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आपको पता है, पानी से बर्फ बनती है और बर्फ ही क्या होती है, ठोस होती है, तो ये हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में इस टाइप से चलेगा, ठीक है, इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, $@, इसका 8 हो जाएगा। डायरेक्टली आप आंसर चेक करते रहिएगा, इसका 36 हो जाएगा। ये पिंक वाले जितने भी मैंने टिक कर रखे हैं, ये सारे आंसर हैं। फिर अगले क्वेश्चन का 1/50, और उसके नीचे यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसके अंदर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 3 तथा 4, ये आप यहाँ देख सकते हो। पूरा नहीं बोल रहा हूँ मैं, फटाफट से अपन ख़त्म करेंगे इसको। इसका 125 हो जाएगा, ये आपकी जो सीरीज़ वाला था इसका 125 हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन में केवल एक जो आपका तर्क है वो सही रहेगा, CBI वाला जो क्वेश्चन था उसमें देख लेना। उसके बाद इसका हो जाएगा 10 लीटर। नेक्स्ट वाले का आपका जो आंसर होगा वो 3 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन आप सभी को पता है, आपके पास पेपर होगा, आंसर टिक करते रहना, एकदम करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगले का ये हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 614382। उसके बाद इसका हो जाएगा केवल 1 तथा 3 निष्कर्ष सत्य है। आगे वाले का ₹3500, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके आगे वाले का ₹25,000, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके अगले वाले का 25%, टिक करते रहना आंसर सभी के। अब इंग्लिश के हैं, इसका हो जाएगा आपका 100। उसके बाद आ जाएगा बेड, BED बेड। उसके बाद वेयर इज़ अ वाइज मैन ऑनर्ड, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 33 का A। 34 का द और ए, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, द और ए। उसके बाद 35 मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल बी लेट, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आंसर। अगला 36वां का हो जाएगा, शी इज़ नॉट ऑलवेज स्टूपिड, ये करेक्ट हो जाएगा। 37 का हो जाएगा ए वाला ऑप्शन करेक्ट, 2 आएगा यहाँ पे, द रूल इज एप्लीकेबल टू everyone। उसके बाद 38 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट, आप देख सकते हो टिक मैंने कर रखा है, जैक वाला। 39वां का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट, समवन हैज़ इन्वाइटेड मी टू द पार्टी। अगला देखते हैं 40वां क्वेश्चन, शी सेड विल यू कम विद मी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अब कुछ आपके GK वगैरह के क्वेश्चन है। 41 का हो जाएगा आपका नाहर सागर कुंड, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा लिम्बाराम का पूछा गया था,
किससे संबंधित है, खेल से संबंधित है, इसका हो जाएगा करेक्ट आपकी करणी माता, चूहों से संबंधित। उसके बाद आ जाएगा आपके पूछा गया था, कृति पूछी गई थी किसकी, कविराज श्यामलदास की, तो वो हो जाएगी वीर विनोद। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका आहड़, ताम्रगीन सभ्यता का पूछा गया था, तो ये हो जाएगी आहड़। उसके बाद गणेश्वर सभ्यता पूछा गया था, कहाँ पे, सिक्कर में। बागोर, ये जो पूछा गया था आपके बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे अवस्थित है। बैराट, प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी, मत्स्य। उसके बाद ये पूछा गया था आपका तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है, श्रावण। उसके बाद ये आपका पूछा गया था धौलागढ़ देवी का मेला किस जिले से जुड़ा है, अलवर से। निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है, पगड़ी। उसके बाद कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था, मंडन। उसके बाद पूछा गया था तारकशी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, वो है नाथद्वारा। उसके बाद कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना, राजा राम सिंह। उसके बाद ये पूछा गया था राजविलास की रचना किसने की थी, हेम कवि ने की थी, एकदम करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद अल्लाह जिलाई बाई, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पद्मश्री मिला था 1982 में। उसके बाद ये पणिहारी हो जाएगा कि कौन सा लोक होली का लोक नृत्य नहीं है, पणिहारी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे रॉन्गली मैच जो भी गलत सुमेलित है उसको सेलेक्ट करना था, यह है मल्लिनाथ जी गागरोन, ये गलत होगा, यहाँ पे मल्लिनाथ जी बाड़मेर का है। उसके बाद आमेर की हवेलियाँ, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में कौन शामिल नहीं है, ये आमेर की हवेलियाँ नहीं है। उसके बाद ये पूछा गया था कि दो मुँह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से मिले थे, आहड़। 61वें का हो जाएगा आहड़ उदयपुर। ये पूछा गया था मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं राणा कर्ण सिंह की छत्रियाँ कहाँ पे हैं, तो आहड़ उदयपुर में है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसका लेखक वीर बांध था, राजरूपक का। थेवा कला का पूछा गया था, ठीक है, थेवा कला कहाँ की है, प्रतापगढ़ की। उसके बाद पूछा गया था विष्णुवी संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी। उसके बाद ये किसके दीवान थे, वीटी कृष्णमाचारी। किस राज्य के दीवान थे, जयपुर के। 66वां क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा समूहन गलत है, तो ये लास्ट वाला गलत हो जाएगा, सैंड वाइल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूएसए, ये गलत हो जाए। उसके बाद पी सूप कोहरा मुख्यतः किस शहर से संबंधित है, तो लंदन से संबंधित है। उसके बाद निम्न में से कौन गुजरात के तटीय क्षेत्र पर स्थित नहीं है, ये हो जाएगा कलम क्रीक, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 69वां, राजस्थान में 2011 में राज्य के औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले कितने जिले हैं, तो वो 18 है, ये इसका हो जाएगा मालवा पठार। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा इसका। नामचिक नामफू कोयला क्षेत्र का पूछा गया था, कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद ये सदर्न पोलर रीजन का आया था, करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र। क्वेश्चन ये था कि पेंगुइन की अधिकांश जनसंख्या का निवास कहाँ पे है, तो इसका हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र। उसके बाद ये पूछा गया था, थीम पूछी गई थी विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का, 18 की थीम पूछी गई थी, तो ये थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। उसके बाद ये पीएच का था कि वर्षा जल की पीएच 5.6 से कम अम्लीय वर्षा का था, ये करेक्ट हो जाएगा। सफ़र, वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया सफ़र किससे संबंधित है, एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्ट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, पलाना किस खनन के लिए जाना जाता है, कोयला। राजस्थान के किस क्षेत्र में टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, अलवर में। राजस्थान के किस जिले में लीलवानी खान स्थित है, बांसवाड़ा। और अगला क्या है, राजस्थान के किस जिले में अकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है, जैसलमेर। बेलाडीला खान संबंधित है किससे, लोहा अयस्क से। एकता कॉप COP24 का आयोजन निम्न में से किस देश में हुआ, पोलैंड में हुआ। मानस का पूछा गया था, मानस नामक प्रसिद्ध वन्यजीव क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, असम में। मंगला क्षेत्र का पूछा गया था, मंगला तेल क्षेत्र का राजस्थान में है। ये भेड़ की नस्ल है आपकी, जो चोकला मगरा है नाली है, ये भेड़ की नस्ल है। इसके बाद एक गलत सुमेलित जो है वो आपको यहाँ पहचानना है, यूराल पर्वत और ब्राज़ील, ये एक सही सुमेलित नहीं है। 86वां, अब आपके हिंदी के कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके जो ये वो पिंक वाले हैं वो देख लें, गो प्लस एशियन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये वाच्य का प्रभाव किस पर पड़ता है, क्रिया पर। सकर्मक क्रिया यहाँ पे कौन सी होगी, गाया। ये इसमें उपसर्ग पूछा गया है सच्चरित्र में, ये इसमें आ जाएगा सत्य। और किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है, ये उचित मुहावरा बन जाएगा यहाँ पे। और विलोम युग्म कौन सा सही नहीं है, तो ये सी वाला है, समूह का मुख।
और उसके बाद आपका है कि अर्जुन के पर्यायवाची, बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, धनंजय पार्थ, केंते, गुडाकेश, ये सभी इसके करेक्ट हैं। और ये पूछा गया था, एक अशुद्धि पूछी गई थी इसके अंदर, उक्त वाक्य के अंदर, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, अधिक पदत्व संबंधी। उसके बाद जिसकी कोई संतान ना हो, ने संतान, विस्पर, अंग्रेजी शब्द के लिए सही हिंदी शब्द क्या है, कानाफूसी। अगला, जनहित याचिका की अवधारणा का प्रारंभ किस देश से हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका से। उसके बाद यहाँ पे कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन का समीक्षण विस्तार से करती है कौन, लोक लेखा समिति, यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे अनुच्छेद 201 करेक्ट है, डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 10वीं अनुसूची, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला वाला क्या है कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया, 14 नवंबर 2011 को। उसके बाद निम्नलिखित में से किस वाद में कहा गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है, तो वो था बेरुवाड़ी वाद। उसके बाद 5 ईयर प्लान पे एक था, किस मॉडल पे आधारित हैराड डोमर मॉडल पे। उसके बाद ये जो ऑप्शन, ये क्वेश्चन था, इसके अंदर आपके कौन से कूट सही है, 1, 2 और 3 सही है, 2 और 3, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ पाऊंगा, देख लेना आप, टिक कर लेना। और ये पूछा गया था कि मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है, तो वह है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और अगला क्या है आपके, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सहायक प्रस्तावों की श्रेणी में नहीं आता है, तो वह है संशोधन। उसके बाद चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया, राजकुमार शुक्ल ने। और किस देश को यूरोप का सिक मैन कहा जाता है, तुर्की को। उसके बाद द इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और इसका एक जो क्वेश्चन है वो पढ़ लेना, फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को पुनः लौटा दिया गया, संधि कौन सी थी, ये थी फर्स्ट वाली, ए ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, एक्स ला शेपेल 1749, ठीक है। निम्न में से किस मुगलकालीन इमारत में पित्रा ड्यूरा का प्रथम बार प्रयोग किया, इत्मादुद्दौला मकबरा, सी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे, महाराजा तख्त सिंह। निम्नलिखित में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे, संत हरिदास। और कालीबंगा सभ्यता से संबंधित काल पूछा था, 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व। जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा, मिर्जा राजा जय सिंह। उसके बाद ये प्रताप, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, न्यूज़पेपर का पूछा गया था। और नेक्स्ट क्या है, चांपेकर बंधु, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला 51, इसका करेक्ट ऑप्शन 51 हो जाएगा। इसके बाद ये आर्टिकल का एक पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में सदस्यता का जिक्र है, तो वो अनुच्छेद 4 है, एकदम करेक्ट है। उसके बाद ये पूछा गया था कि 1889 में मुंबई में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में महिलाओं ने भी भाग लिया, निम्न में से किस महिला ने इसमें भाग नहीं लिया था, तो वो थी रमाबाई रनाडे, बाकी तीनों थी, जो तीनों ऑप्शन है ए बी और सी, तो इसमें भाग लिया था। बाकी और देखते हैं क्या है, अगले का हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना, 1893 वाला क्वेश्चन है। उसके बाद आप कुछ और क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों के पास तरलता की कमी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, रेपो रेट का पूछा गया था, रिपो दर में। उसके बाद राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक किसे कहा जाता है, तो वो रिचर्ड स्टोन है। आप अगर सर्च भी करोगे इंटरनेट पे के फादर ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, तो डायरेक्ट आपको रिचर्ड स्टोन का नाम दिख जाएगा। अगला देखते हैं, ये था, इसमें ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राजस्व व्यय बड़ा होता है किससे, राजस्व प्राप्तियाँ, मतलब ये ज़्यादा हो जाएगी, बजट में राजस्व घाटा होता है उसमें पूछा गया था। अगला के कौन सा सही नहीं है इन चारों में से, रिफाइनरी का पूछा गया था, बाड़मेर का, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह परियोजना HPCL तथा भारत सरकार का संयुक्त उद्यम है, तो HPCL का तो है लेकिन भारत सरकार नहीं है, इसमें राज्य सरकार होगा, तो ये वाला सेंटेंस यहाँ पे गलत है। यहाँ पे 90% आपका करेक्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले का करेक्ट ऑप्शन है 55.2%। उसके बाद ये क्या है, ये वाला डी, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। राजस्थान के पहले मानव विकास प्रतिवेदन जो कि 2002 में था, का मुख्य विषय यानी कि थीम क्या थी, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये देखते हैं 1994 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद 2016 इग्राम का ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का हो जाएगा 2016, ये हुआ था जयपुर में। उसके बाद बात करते हैं इसका, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन के लिए कौन योग्य है,
विडो, डिवोर्स्ड एंड परित्यक्ता जो महिलाएं होती है वो होती है योग गेन के लिए। उसके बाद अब कुछ आपके साइंस के क्वेश्चन हैं। पश्चिम से पूर्व इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पृथ्वी का अपनी अक्ष के प्रति घूर्णन होता है, जो होता है पश्चिम से पूर्व यानी कि वेस्ट टू ईस्ट, टू इंक्रीज फ्रिक्शन, घर्षण बढ़ाने हेतु इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्या है कि सोडियम बेंजोएट इसका करेक्ट ऑप्शन है, टमाटो सॉस का एक क्वेश्चन आया था उसमें सोडियम बेंजोएट करेक्ट है। अगला क्या है, हल्दी में पाया जाने वाला प्राकृतिक रंजक क्या है, करक्यूमिन, ये ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। एसिड बेस बैलेंस बॉडी में मेंटेन कौन करता है, किडनी, यहाँ पे गुर्दे यानी कि करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट है किडनी वाला। विटामिन B12 कंटेन विच मेटल, कोबाल्ट, CO। नायलॉन थ्रेड्स आर मेड ऑफ, नायलॉन थ्रेड्स किसकी बनी होती है, पॉलीअमाइड पॉलीमर की, अमाइड यूज होता है बेसिकली, तो इसलिए पॉलीअमाइड पॉलीमर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, तो बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा कि गर्म करने पर प्लेटिनम यानी कि PT तार का चमकना, ये फिजिकल है। उसके बाद अगले का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, CO इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, CO औपचारिक अभिकर्मक है। उसके बाद ये पूछा गया था सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नीले रंग का खनिज पूछा गया था ना, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है चावल, पहली फसल जिसका जीनोम अनुक्रमित किया गया है वो कौन, चावल। उसके बाद गोल्डन राइस का एक क्वेश्चन आया था उसमें आपके विटामिन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और हृदय में थैबेसियन वॉल पाया जाता है कहाँ पे, राइट एट्रियम में यानी कि दाएँ आलिंद में, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये एक पूछा गया था आपके ट्राइसोमी 13, 18 और 21 और सामने उसके सिंड्रोम थे, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पादप संवर्धन की किस तकनीक से विषाणु रहित पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं, तो वह है मेरिस्टेम कल्चर, बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन, स्पायरुलिना इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला 147वां, अगला है कि आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट नहीं है इन चारों में से, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका यहाँ से ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ट्रेबेक्यूले कारने, ये आपके हार्ट का पार्ट है यानी कि दिल का, ठीक है, हृदय का पार्ट है। अगला 148वां इसका हो जाएगा आपका हेपेरिन, ब्लड क्लॉटिंग का एक क्वेश्चन था ना, हेपेरिन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्या है कि कुक्स अर्नेथ काउंट इज यूज टू काउंट, किसको काउंट करने के लिए कुक्स अर्नेथ काउंट यूज लिया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका न्यूट्रोफिल्स। और लास्ट 150वां जो है उसका टोकोफेरल और रेटिनॉल, ये इसका करेक्ट है। तो पूरे 150 क्वेश्चन आपको बता दिए एकदम करेक्ट है। अब आप कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने आपने अटेम्प्ट किए हैं, क्या आपका स्कोर रहा है, आंसर की मैच करने के बाद कट कटा के आपके कितने रहते हैं, तो उस हिसाब से एक अच्छा सा कट ऑफ पे भी वीडियो बनाया जाएगा। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, कोई डाउट है तो कमेंट करना। चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।